Hello student, my name is Nisha Singh. Today we discuss about the poem of class 2, My New Rabbit. ठीक है, यानी कि मेरा नया rabbit. Rabbit किसे बोलते बच्चों? खरगोश को. ठीक है, तो इसमें एक poem type है, उसे हम पढ़ लेंगे. We brought him home. I was so pleased. कि मैं उसे घर लाई और मुझे बहुत ही खुशी हुई. प्लीज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? खुशी होना. ठीक है, किसी चीज़ को देख के जब हम बहुत खुश होते हैं तो उसे हम प्लीज्ड बोलते हैं. वी मेड अ रैबिट हच. आई गिव हिम ओट्स. आई टॉक टू हिम. आई लव हिम वेरी मच. जब वो उसे खरगोश को घर लाई तो उसने उसका घर बनाया हच. हच क्या होता है? जहाँ पर खरगोश रहता है. ठीक है, आई गिव हिम ओट्स. मैंने उसे ओट्स दिए. ओट्स क्या? एक खाने की चीज़ होती है जिसे वो लोग खाते हैं. आई टॉक टू हिम. मैंने उससे बात करी. आई लव हिम वेरी मच. और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. नाउ व्हेन आई टॉक टू रोवर डॉग ही आंसर्स मी वाउ वाउ. एंड व्हेन आई टॉक टू पुसी कैट शी पुर्स एंड से मियाओ. ठीक है, फिर आगे बोलती है. अब जब मैं अपने रोवर डॉग से बोलती हूँ, बात करती हूँ, तो वो मुझे आंसर देता है. क्या बोल के? वाओ वाओ. आपको पता ही है कैसे करते हैं डॉगी, कैसी आवाज़ निकालते हैं. ठीक है, और जब मैं अपनी पुसी कैट कैट से बात करती हूँ तो वो भी अपनी लैंग्वेज में मियाँ बोलती है. ठीक है, बट बनी नेवर सेज अ वर्ड जस्ट ट्विंकल्स विद हिज नोज. And what that rabbit thinks about, why no one ever knows. लेकिन जो बनी है, जब मैं उससे कुछ भी वर्ड बोलती हूँ तो वो कभी कुछ एक वर्ड तक नहीं बोलता. Just twinkle with his nose. Twinkle means होता है कि दिखाना कि वो बहुत खुश है. जैसे हम लोग तो हैं, हम अपने मुँह से बोल देते हैं कि जब भी हमें कोई खुशी होती है. ठीक है बच्चों, लेकिन जो rabbit है वो क्या करता है? अपने नोज़ को ट्विंकल करके, यानी कि अपने नोज़ को दिखाता है कि किस तरह से वो खुश और एक्साइटेड है. एंड व्हाट दैट रैबिट थिंक्स अबाउट व्हाई नो वन एवर नोज. और उसके बाद क्या वो सोचता है? रैबिट किसके बारे में सोचता है? किसी को कुछ नहीं पता. क्यों नहीं पता? व्हाई नो वन एवर नो. किस लिए किसी को क्यों नहीं पता रहता? माई मदर सेज द फेरीज मस्ट have put on him a spell. They told him all their secrets. When they whispered, pray do not tell. जब मेरी मदर बोलती है फेरीज, फेरीज क्या होती हैं? परियां. My mother says the fairies must have put on him a spell. कि जो फेरीज है उन्होंने एक पावर दे रखी है, एक मैजिक पावर दे रखी है उनको भी. They told him all their secrets. वो अपने secrets बताते हैं. secret क्या होते हैं? जैसे हम किसी चीज़ को छुपाते हैं तो बोलते हैं ना, क्या secret है. Then they whispered, pray do not tell. और वो फिर बोलते हैं फुसफुसा के. whispered मतलब होता है बच्चों फुसफुसाना, कि बिल्कुल भी मत बताना. ठीक है, तो उसकी मदर, जब ये बात वो लड़की अपनी मदर से बोलती है तो उसकी मदर बोलती है कि फेरीज ने उन्हें एक स्पेशल पावर दे रखी है उन मैजिक वर्ड की, कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताते, अपना सीक्रेट अपने पास रखते हैं. सो बनी सिट्स देयर लुकिंग वाइज एंड ट्विंकलिंग विद हिज नोज एंड नेवर 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 टेल्स अ सिंगल थिंग ही नोज. ठीक है, इसी तरह से बनी क्या है? बैठा रहता है, देखता रहता है, अपनी नोज को ट्विंकल करता रहता है और वो कभी भी कुछ नहीं बताता, एक सिंगल थिंग्स भी मतलब किसी को नहीं बताता. ठीक है, ये छोटी सी पोएम थी बच्चों, रैबिट रैबिट के ऊपर थी ये. आई होप आपको समझ में आया हो. और बच्चों आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो मैं चैप्टर पढ़ाने के बाद वीडियो जो देती हूँ उसके बाद जो वर्क देती हूँ, तो उसे प्लीज़ अपनी कॉपी में कर लिया कीजिए. ओके.